सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड बज रहे हैं 8:30। और मेरी नींद अभी भी नहीं खुली है, मैं सही बताऊँ ना, मैं उठी हूँ ना मैं उठना चाहती हूँ। इस प्राणी ने मुझे उठाया। मैं प्राणी हो गया। हाँ, ये प्राणी जो दिख रहा है ना, पति जी ने उठाया। जो ये प्राणी ओट्स खाता हुआ दिख रहा है ना, इसने मुझे उठाया। मेरा किल मतलब 1% 1% में से आधा परसेंट भी उठने का मन नहीं। आपको से पता चल रहा होगा, आँखों में अजीब सा पेन सा हो रहा है, गले में भी हो रहा है। चाय पीऊँगी पहले उठ के, एंड 8:30 ही हो रहे हैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैं लेट उठी हूँ, मैं जल्दी नहीं उठी, मैं लेट ही उठी हूँ। तो मैं अपने लिए चाय बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, एंड फिर थोड़ा बहुत जो काम वो करते हैं। मैं गला तुम्हें दिख ही रहा हूँ कैसा हो रहा है मेरा। गले का कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरे 1 हफ्ता हो गया। तो भाई ये बन रही मेरी चाय, ये बन रहा मेरा दलिया, एंड ये तो बनता रहेगा, पर पहले चाय बन जाए। चाय पीते हैं कुछ। पता नहीं क्या अजीब सा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिक्कत सबको हो रही है, मतलब इतना पोल्यूशन होना नहीं चाहिए ना। अभी दिवाली आई नहीं है, दिवाली आने से पहले ही इतना पोल्यूशन हो चुका है। पता नहीं दिवाली आएगी तो कितना पोल्यूशन होगा। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? दिवाली नहीं आएगी तो इतना पोल्यूशन है, दिवाली आएगी तो क्या ही होगा पता नहीं। दिवाली आई, मैंने कहा था रावण लोगों ने इतने गंदे तरीके से फूके हैं ना कि पोल्यूशन कर दिया पहले। तो भाई अगली बार से रावण पे रावण ना जलाएं, अपने अंदर की बुराई जलाएं, अपने अंदर का रावण जलाएं। रावण जलाने से बेटर है। बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग, हम जैसे को दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से। लोग सोचते हैं फेस्टिवल मना लिया, फेस्टिवल के बाद जो हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं ना सारे के सारे, और मतलब जो भी डॉक्टर क्लिनिक होते हैं वहाँ खड़े रहते हैं, उससे बेटर है अपने अंदर झाके। क्यों? बहुत गलत है ये जलाना। जिसने सीता को छुआ, जिसने सीता को छुआ भी ना, उसको हर साल जलाते हैं। और द्रौपदी का चीरहरण हो गया, सो किसी को याद भी नहीं है। लोगों के अंदर कल कब आएगी भाई, सही गलत कब सीखेंगे, कब समझेंगे? देखो हमें तो पता है, लेकिन जिनको नहीं, हमने बिल्कुल रावण नहीं फूका, हमने सिर्फ देखा। ज्यादा से कुछ खा लो पी लो, कहीं घूम लो। करने से ऐसे बंदों को जलाना चाहिए जो रेप करके बैठे हुए हैं, और जो ऐसे ऐसे वो हो रखे हैं उनको जलाओ, तब मजा आए। भाई जो चीजें पहले हो चुकी हैं, जो भगवान है ही नहीं, तो उनको जलाए जा रहे, जलाए जा रहे, जलाए जा रहे, बेटर है। उससे जो सीख मिलती है, मतलब बुराई, उसे ख़त्म करो। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई चलो मैं अपनी चाय पीती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ, क्योंकि मेरी आँखें खोलने थी चाय के, बिकॉज मेरी आँखें खुलेंगे नहीं। दिख ही रहा हो कैसी अजीब सी हो रही है। कॉफ़ी बनाओ। भाई आज है ट्यूसडे, तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, बिकॉज मेरे गले में दर्द हो रहा था। पता नहीं शाम तक मैं कैसी रहूँगी। भाई डिमांड थी आज करेले की सब्ज़ी बनाने की, तो रात को मैं काटना भूल गई कल, वरना मैं एक दिन पहले काट के रख देती हूँ। बट कोई बात नहीं, अब काट के मैं इसको उबाल लूँगी, क्योंकि उबाल के इसका सारा कड़वापन निकल जाए। तो भाई इसके बाद आती बारी मेरी मशीन की, कपड़े बहुत सारे थे। हम लोग जब वृंदावन से आए तो कपड़े बहुत हो चुके थे, कि पहले भी पड़े थे और आने के बाद भी हो गए थे। रात को मशीन में लगा सकती थी, लेकिन रात को हिम्मत नहीं थी कि मशीन लगाऊँ या कपड़े लगाऊँ। तो मैंने सुबह ही उठ के लगाए, क्योंकि कपड़े इनके सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिम पे जाने पे, तो कपड़े इनको ज़्यादा अच्छे होते हैं। कपड़े लाने के बाद मैंने पोछे के लिए अपनी बाल्टी तैयार करी, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ लाइज़ोल। ये बहुत सही रहता है, जिनके घर बच्चे हों चाहे ना हो, भाई इसको यूज़ करें पोछा लगाने के लिए, जिससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं भाई, वो घर में आते तो हैं लेकिन ज़्यादा देर रुक नहीं पाते, मतलब मर जाते हैं बहुत जल्दी। और वैसे भी ये 80% से ऊपर ज़्यादा बहुत सेफ है बच्चों के लिए, जैसे बच्चे फ्लोर पे खेले तो बहुत सेफ रहता है। भाई मैं तो इसको शुरू से अपने घर भी यूज़ करती थी, ससुराल आई तब भी यूज़ करती हूँ। भाई ये बहुत सेफ़ रहता है, जब छोटे बच्चे घर में हो चाहे ना हो, लेकिन फ्लोर के लिए बहुत सही चीज़ है। आज मुझे पोछा इसलिए हाथ से लगाना पड़ रहा है, कि एक दो दिन से मैं हाथ से पोछा नहीं लगा पा रही थी, ना पोछा ही नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो रही थी, मेरी तबीयत भी ऐसी ढीली सी हो रही थी। तो मैंने पोछा आज हाथ से लगाया पूरा अच्छा सा क्लीन करके। तो भाई इसके बाद ही बारी इनके बर्तनों की, क्योंकि काम मेरा सारा निपट गया था, सिर्फ बर्तन ही रह गए थे। और मेरा करेला आप देख ही रहोगे, वो उबल रहा था, उबल चुका था, दो बार उबालती हूँ मैक्सिमम। और ये भी जिम से आ गए थे। इसके बाद हम लोगों ने साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया, जिसमें मेरा दलिया था, बनाना थे इनके एग थे और ब्रेड थे। भाई देख लो ये रेडी है खाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट। 11:30 खाना कब बनाओगे मैडम? आज भाई खाने वाले हैं कौन सब्जी? करेले। थैंक यू सो मच, इतने दिनों बाद बना रहे थे। अरे बात है, करेले खराब नहीं हो।
खराब तो नहीं हुए इन दिनों, वैसे खराब तो होते ही नहीं है, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ उनको, उनको पता था ना कि लेट बनाएगी। प्याज दाल में करेले की सब्जी सुबह ही उबाल के मैंने कर दिया था, उसका जो भी होता है कड़वापन, उसमें मैं सॉल्ट मिक्स करके उबाल लूँ तो सारा कड़वापन निकल जाता है। वैसे रात को रखना चाहिए सोख करके, बट मैं रात को रख नहीं पाई, रात को मैं सोखी नशे में है ना, वही मैं रात को नहीं कर पाई, पर मैंने सुबह कर लिया, कड़वापन निकल गया होगा क्योंकि मैंने इसको कम से कम दो बार किया है बॉइल। कड़वापन तो नहीं, मम्मी आपको कड़वापन आ रहा है तू, आप रुआ रहे हो? किस में बना रही है? मस्टर्ड ऑयल में। ओलिव ऑयल में बना दे। अच्छा। आपके घर तो मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा होता है। हाँ मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है, पर मेरे को सूट तो वही हो रहा है। मेरा बगल है तो आप। आंसू 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 क्यों काटोगे? क्यों काटोगे? तू मेरे को रोता हुआ देखना चाहती है? आप मेरे रो भी नहीं सकते हो, मैं आपके देखो रो नहीं लो। तो भाई करेले की सब्जी बहुत इजी है, बस आंसू ना आए तो सिर्फ प्याज को और काट देते। हाँ जैसे आप काट देते तो मेरे को दिक्कत ना होती। जीरा डाल लो इसमें और भाई हींग डाल लो साथ में, हींग खाना अच्छे से बहुत अच्छे से पका देते हैं, कुछ भी सब्जी बनाओ हींग जरूर डाल लो। ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएगी, साथ साथ आलू खड़ी खड़ी ले जाएगी, उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए एक दो मिनट के लिए, इतने में और काम निपटा देते हैं। सारी बॉटल भर रही है सारी, कभी कभी फंसते हैं डेली नहीं फंसते। अब इसमें सारा खरीदा सॉल्ट इतना हमेशा थोड़ा रखना है कि जब आप उबालते हो ना तब भी आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा डालते हो तो कड़वा पर निकालने के लिए, तो सॉल्ट हमेशा थोड़ा रखना चाहिए, क्या पता इसमें कितना सॉल्ट निकला और कितना नहीं निकला, तो फिर ज़्यादा नहीं रखूँगी सॉल्ट, थोड़ा ही रखूँगी। पर हमारे घर में भाई चिल्ली नहीं चलती है, मैं चिल्ली नहीं खाती हूँ, कभी चिल्लाना ना पड़े। साथ में धनिया, ना कोई मसाला यूज़ करते हैं ना कोई हम चिल्ली यूज़ करते हैं। प्योर खाना होता है जो पहले नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स, जिससे ना आपका शरीर खराब होता है ना बुद्धि खराब होती है, ऐसा गीता में लिखा है। दूसरे नंबर पे आता हमारा ये खाना सब्जी होगा, जिसमें सब खट्टा मीठा गरम सब आता है, इससे हमारा शरीर खराब होता है, बुद्धि नहीं खराब होती पर शरीर खराब होता है इस खाने, किससे? इस घर के खाने से। अच्छा ठीक है, ऐसा गीता में लिखा है, जिसको ना पता हो बता देते हो, मतलब पहला खाना होता है ड्राई फ्रूट जिससे ना बुद्धि खराब होती है ना शरीर खराब होता है, ये खाने से हमारी बुद्धि खराब नहीं होती पर हमारा शरीर खराब होता है। जो बंदा घर का खाना खाता है चाहे बाहर का घर खाए बीमार हर कोई पड़ेगा, बस फैक्ट है। तीसरा खाना आता है मीट वगैरह, जिससे शरीर भी खराब होता है और बुद्धि भी खराब होती है। अच्छा तो ये तीन खाने होते हैं, तो भाई अब फिर ड्राई फ्रूट ही खाता रहूं? मतलब गीता में ऐसा लिखा है कि ड्राई फ्रूट से ना आपकी बुद्धि खराब होती है ना आपका शरीर खराब होता है। अच्छा। इस खाने से हमारा सिर्फ शरीर खराब होता है। तो भाई कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जो जो देगा बताना, पढ़े और गीता में बिना पढ़े तो पंडित जी से पूछे वो भी यही बोलेंगे। एंड बाकी जो यार घर के खाने से तो क्या होगा यार, क्यों? क्योंकि इसके ये प्रॉपर वो खाना है जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, ठीक है, इसमें मसाले डालते हैं, घी डलता है, सब चीज डलती है जो हम बनाते हैं, तो इंसानों को नहीं पता ये खाना कैसे बनाना चाहिए, मतलब ये खाना किसी भी तरीके से शरीर के लिए प्योर है ही नहीं। और फैक्ट खुद ले लो, कौन सा एक इंसान है जो घर के खाने से कभी जिसके छींक ना आई हो, बुखार ना आया हो, सर दर्द ना हो, कोई एक इंसान बता दो दुनिया में? वो तो रहता ही है, जाना भी पड़ता है आना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं इस खाने से शरीर में प्रॉब्लम होती है पर बुद्धि सही रहती है। मैडम आप मेरे को थोड़े से गलत लग रहे हो। नहीं नहीं घर के खाने से खा सकते हो, घर के खाने से तो यार वो होता है, तो भाई इसका कमेंट बॉक्स में मैडम का रिप्लाई जरूर देना, क्योंकि ड्राई फ्रूट में ना ड्राई फ्रूट गर्म
गैस पे बने, और ड्राई फ्रूट अगर ज्यादा ही खा लिए फिर बात तो सुनो। हाँ। ड्राई फ्रूट ना गैस पे बने, हाँ। ना मसाले डले, हाँ। ना तेल डला, ना वो खट्टा है ना वो मीठा है, हाँ। इसलिए ना शरीर खराब होगा ना बुद्धि खराब होगी, पर उस पर हम जी नहीं सकते, बस ये फैक्ट हुआ था। ड्राई फ्रूट यही पड़ेगा, और ड्राई फ्रूट से यार वो ज्यादा खा ले तो ना बीमार पड़ेंगे, लिमिट होती है ना। कहने का मतलब ये है कि उस खाने से आपको शरीर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, अच्छा, और ना दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो भाई मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने 3 श्रृंगार किए जो कि मैंने वृंदावन से मुझे राधा रानी के चरणों से मिले थे, एंड इसको सिर्फ सुहागन औरतें ही वियर कर सकती है। पहले ये चूड़ी बहुत भाई बहुत पक्की है, बहुत मोटी है, ना मेरी अब तो यहाँ की चूड़ी होती है ना क्रैक हो जाती है, ठीक है। पहली ये चूड़ी, दूसरा ये सिंदूर, और तीसरी ये बिंदी, ठीक है। और मेहंदी रह गई है, मेहंदी मैं घोल के रक्षाबंधन उस पर भाई दूज पे जरूर यूज़ करूँगी उसको। और भाई मेरा हर सिंदूर पहले दिन से, पहला सिंदूर मेरा इनसे भरा गया था, दूसरा सिंदूर मेरा वैष्णो माता से आया था, और आज तक मैंने वैसे जो दुकानों से लेते मैंने कभी नहीं खरीदा, उसके प्रूफ ये है। जहाँ जाती हूँ मंदिर से लेके आती हूँ, या तो अगर मंगाती भी हूँ वैष्णो देवी से, मैं नहीं जा पाई थी, पहले मेरा भाई गया, फिर मेरे भाई की फ्रेंड गई, तो मैंने पैसे दे के लिया। भाई कभी भी सिंदूर किसी का यूज मत करो, बगैर पैसे एक हिस्से लो मत। अगर कोई लाके दे रहा नया सिंदूर, भाई उसको पैसे दो। कहते हैं उधार का सिंदूर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि पति अपना होता है उधार करने, तो भाई अपना यूज करो सब चीज, श्रृंगार खासकर अपना यूज करो। अब चलते खाना बनाते हैं, आटा गूंदना, 1 बजने वाला है। भाई अब आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि आटा ही नहीं मिला मेरा, सारे काम हो गए हैं, तो पहले बॉक्सेस सेट कर दूँ, ये मेरी सारी चीज़ें ना फैली पड़ी है। मैं जल्दी बना दे फटाफट, बना ही रही हूँ, खाना ही बना रही हूँ, खाने के अलावा बचा ही नहीं काम मेरे पास, 1 बज रहा है। तो वही पहली रोटी है जो भी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए, अच्छी बात होती है, ये हर घर में निकाली जाती है, यहाँ भी और वहाँ भी, और मुझे बहुत पसंद है निकालना, कि हम लोग खाना निकालना भूल जाते हैं, खाने के टाइम पे ना हर कोई बंदा भूल जाता है कि रोटी भी निकालनी होती है भगवान के लिए, बड़ों के नाम की, दादा दादी के नाम की। तो भाई जो बनाते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं बनाते वो निकाला करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है, बाहर भी खाएगी ना तो नहीं निकालेगी। तो मैं निकाल देती हूँ, छोटी ही बनाती हूँ और मैं खिलाती हूँ दो, फिर खुद नहीं निकालना पड़ता है। पर हम तो भाई वो भी जितने ब्रोकली होती है, ब्रोकली के नीचे वो बच जाते हैं, वो भी खिला के आओ। किसी भी ग्रीन वेजेस का सामान होता है, जैसे पालक हुआ, ब्रोकली हुई, केले के छिलके हुए, फ्रूट के छिलके हुए, या रोटी हुई, या बची हुई रोटी भी, चावल हुए, मैं कभी नहीं फेंकती। और जैसे केला भाई थोड़ा सा रह जाता है तो वो भी तो खिलाना चाहिए, ये नहीं होता कभी गौ को आप ये क्या खिला रहे हो, मतलब गौ खाएगी क्या, आप घर से लेकर राशन थोड़ी इसका मतलब, जो बच जाता है उसको डाल दो, मांगने तो आते नहीं है भाई, अपने हिसाब से डाल दो, वो अच्छी बात है, इसी से पुण्य मिल जाएगा थोड़े थोड़े से, हो सकता है किसका पेट भर रहे हो उस टाइम, ये तो बात है। मैडम ने आग लग रही, डब्बे दे, डब्बा दे दो बस, प्रोटीन आया ना डब्बा चाहिए, कह डब्बा दे दो बस, पन्नी है ना इसके अंदर, मैं तभी कह रहा हूँ ले ले, कोई दिक्कत ना है, ये एक लाइन रह रही है वो काटनी पड़ेगी, हाँ ये बस निकाल दो, सारा निकल जाएगा अपने आप, तो इसके लिए हम पीछे से नहीं निकालना, हाँ निकाल लो। ये हालत है मैडम, ये क्या है, ये डब्बा यहाँ से निकलना है, यही से खोलना है बेटा, ला मैं खोल के दिखाऊं, दिखाओ खोल के, पकड़, मैं कह रही थी ऐसे खुलेगा, हाय राम, मेरी वीडियो बनाने बाद अपनी वीडियो बनवा रही है भाई, कसम से आई कहीं और से खोलो तो वहां से खुलेगा, मैं इसी वीडियो क्लिप जरूर डालूंगा, देख फेंक दिया ना, ए अभी इसकी भी वीडियो बनानी है, अभी वीडियो बनानी है हमने, क्या करूं बताओ, चावड़ धर लो, चावड़ सब में पपीते की क्वालिटी देखो आप, जो बाहर से लाते हो और यहाँ की क्वालिटी देखो, ठीक है, ये तो पूरा पका हुआ है, ये भी, ये तीनों थोड़े कच्चे कच्चे हैं, ये एक दो अपने दोस्तों को दे दूंगा,
और मैडम ने बांध दिया दोबारा से, रेडी टू दोबारा से हो जाए जो। और भाई देखो अभी तो ऊपर ऊपर और आएंगे, जितना ऊपर चलता रहेगा ना उतना बढ़िया है। तो भाई मैं रेडी हो चुकी, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। मैं साफ बोलूंगी, सच बोलूंगी, क्लियर बोलूंगी, ले जानी पड़ेगी। गंदर सी मार मार के जबरदस्ती जिम लेके जा रहे हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं जाने का। वर्कआउट नहीं करूंगा, वर्कआउट ऐसे वैसे नहीं करेगी। कल कर बोल रहे थे क्लिप बनानी, वर्कआउट करा दिया खुद ने, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो भाई रेडी हो चुके, अब चलते हैं जिम और करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। देखो कितना स्टैमिना आता है, और मेरे को लग रहा है मेरा वेट भी शायद कुछ ऊपर नीचे तो हो गया होगा, एक आधा किलो तो बढ़ गया होगा। मैं ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है, एक आधा किलो की है। तो आप क्यों टी शर्ट ले खड़े हो, टी शर्ट ले क्यों खड़े हो? चलो आगे बढ़ो, वीडियो बनानी है यार उस पे। अच्छा एज इट इज वालों की जो आया नहीं, 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 उस पे फिट मोरा। अच्छा पीनट बटर के लिए। अच्छा ओके, अभी हाँ आज बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, चलो चलो जी। मैडम एक 5 का वार्म अप और ले, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट। ये वार्म अप है? हाँ जी, जल्दी लगाओ फिर सेट स्टार्ट करेंगे। इसे 4-5 रैप ही लगाना बस, रख देना फिर, ठीक है? आराम आराम से, जितना स्लो कर सकते हो। तो मैडम आज मेरे साथ वर्कआउट करेगी भाई, देखते हैं मैडम कितना वजन मारेगी और मैं कितना। मैडम का हाईएस्ट दिखाएंगे और मेरा हाईएस्ट। चलो वेरी गुड। आपका हाईएस्ट और मेरे हाईएस्ट में कितना फर्क होगा? तो फर्क होगा कोई ना, वो तो दिखाना है ना, हद है। आखिरी मेरा 7.5 ही जाएगा शायद, देखते हैं 10 का भी जा सकता है। नीचे ब्रीथ इन और ऊपर ब्रीथ आउट, 1 ब्रीथ इन पे फोकस करो, 2 कम ऑन, 3 स्लो टच करोगे, 5 चलो, 6 टू मोर, मैं यही हूँ, चलो 1 मोर, अरे लगाओगे, चलो जान लगाओ, मैं करवा रहा हूँ, जान लगा, अप, तुम्हें सोच रहे मैं छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। चलो भाई मैडम आपका सेट आ गया है, 2.5 का पहला सेट करा रहे मैडम को, 2.5 सॉरी। चलो और कंट्रोल में 8 रैप्स मारने हैं आपको, ठीक है ना? कंट्रोल में जैसे मेरा स्लो स्लो मारे ना वैसे, 1 झटका मत देना, 2 नीचे सांस भरना है, 3 मैं रैप आउट कर रहा हूँ टच नहीं करने, नंबर 4 चलो जान लगा, 4 5 3 मोर मैडम, चलो जी जान लगाओ, 1 2 एक और, एक और, एक और, मैडम की 4th एक्सरसाइज और मेरी भी 4th एक्सरसाइज। मैडम डंबल से करेगी, मैं रोड से करूंगा, आराम आ नीचे स्लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, गुड। 10-10 रैप या 12-12 रैप्स आप फोकस कर लो, वो बढ़िया से लगाओ। कितने हो गए? 10, चलो दो और लगा दो, 11 है, एक और लगाओ, वेरी गुड, छोड़ो एक और प्लेट हटाओ, मेरी 4th एक्सरसाइज रही भाई रोड से, बस 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 मैं वो मोम ले लेता हूँ, फिर आप तो सेट दिखाता हूँ साथ सेट मिस करना, बस चलो आगे की तरफ लेना, थोड़ा स्ट्रेट कर ले वहाँ फ्लाई टाइप में, पैर बिल्कुल क्लोज करो, हाँ 2 पिछले ले जाओ, कंट्रोल 3 चेस्ट अप, 4 पीछे ब्रीथ इन करो, पीछे ब्रीथ इन, अब आगे ब्रीथ आउट, स्ट्रेट गुड, कितने हो गए? 5 चलो लगाओ, 5 मोर, 5 4 चलो, 3 स्ट्रेट करो, 3 बस ध्यान में कर दी, चलो भाई चेस्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब लगाएंगे एब्स की 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट करेंगे डिक्लाइन क्रंचेस, सेकंड रहेगी डिक्लाइन लेग रेज,
गुड, ज्यादा नीचे बच जाओ, दो गुड, तीन चार, चलो चलो जी, कम ऑन एब्स दिखा दे, चल यही ना बात, 15 रैप पूरे लगाने हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, खत्म हुआ वर्कआउट, सो भाई ये अभी मेरे साथ आए नहीं है बिकॉज ये करा रहे हैं ट्रेनिंग एंड मुझे भूख लग रही थी और मेरे को जुकाम फील हो रहा है इसलिए मैं विदाउट घी की रोटी खा रही हूँ, जुकाम और गले में वापस फील हो रहा है मेरे को, अब पपीता गर्म करेगा ऐसे में इसलिए पपीता खा रही हूँ, घर का पपीता तो सेफ है, खाना खा के मैं चलती हूँ उसके बाद जिम क्योंकि अभी बजे सिर्फ 9:01 है पूरा, हो सकता है ऊपर लग जाए टाइम, तो भाई खाना खा के मैं जिम जाऊँगी इनके पास, पर ये आके खाना खाएंगे, मैं अपना मील लेके अपना जिम जा रही हूँ, तो भाई थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई वापस, वही गले में और फीवर वगैरह फील हो रहा है, तो भाई दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, कल मेरे को दवाई दे दी, आज मैं इसको दवाई दूँगा, कम निकलो कम निकलो कम निकलो, मास्क लगाओ, जिन्होंने शॉपिंग पहले कर ली उनके तो भाई फ्री हो चुके हैं वो लोग, वो परेशान होंगे, हम लोग हम अब निकलते तो हमारी हालत क्या होती मैं जानती हूँ, तो कैसी ही होती भाई, अच्छी तो बिल्कुल ना होती, तो भाई पॉल्यूशन में कम निकलो और कोशिश करो कि घर का खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो, बाकी हमने तो बाहर का खाया ही नहीं है भाई, फिर भी तबीयत खराब हो रही है घर का खाना खाते हुए भी, पर कल तक ठीक हो जाऊंगी आई नो, तो ब्लॉग कल मिलते हैं, कल के ब्लॉग में, अभी राधे राधे।